फूड ड्रॉप, फूड ड्रॉप अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं है बल्कि किसी ना किसी डिजीज़ का इफ़ेक्ट है। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। जो हम बात करेंगे वो AFO पर बात करेंगे, एंकल फुट ऑर्थोसिस, क्योंकि अब यदि फूड ड्रॉप हो ही गया तो लेट्स डील विद इट, एंड AFO सबसे बेस्ट तरीका है इससे डील करने का। अब मार्केट में बहुत से AFO अवेलेबल होते हैं, लेकिन हाउ टू चूज़ द प्रॉपर AFO फॉर योर प्रॉब्लम, इसके लिए सबसे बेटर यही है कि आप बने बनाए AFO लेने के बजाय मार्केट से कस्टमाइज़ करवाएं, किसी ऑर्थोटिक क्लिनिक पर जाकर वहाँ पे अपना साइज़ दें, प्रॉपर उसको बनवाएं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए AFO के बारे में। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह एक बेस्ट AFO तैयार किया जाता है। सबसे पहले AFO का नाप बहुत ज़रूरी है। अब नाप लेने का कुछ डॉक्टर्स का तरीका ये होता है कि वो एक टेलर की तरह आपके फुट का साइज़ आप एक पेपर पर ले लेते हैं और उसके हिसाब से AFO बना देते हैं। नाप लेने का बेस्ट तरीका ये है कि पहले आपके पैर की डमी तैयार की जाए, फिर उसे शेप किया जाए जो कि रिक्वायर्ड है, फिर उसके बाद आपका AFO तैयार हो। यहाँ फुट को प्रॉपर 90 डिग्री एंगल दिया जा रहा है जिसमें AFO तैयार होगा, और इस पोजीशन में आपका फुट जो है वो डोर्सिफ्लेक्शन में रहेगा और आप अच्छे से चल सकते हो। कट करने के बाद इस तरह की एक आउटर कवरिंग तैयार हो जाएगी और जिसमें POP भर के एक डम्मी फुट तैयार किया जा सकता है। इस तरह ये डमी फिट तैयार कर लिया गया है और अब इसके ऊपर AFO बनेगा जो कि हमारे पैरों को प्रॉपर शेप में रखेगा। इसके बाद कुछ इस तरह का AFO तैयार किया गया, इसे जॉइंटेड AFO या फिर डायनेमिक AFO भी कहा जा सकता है। इसमें आपके एंकल के बैक साइड से एक जॉइंट दिया गया है जिसके कारण आप AFO पहनकर अपने नी को बेंड कर सकते हैं और इससे आपके गेट पैटर्न में भी मदद मिलती है और आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इस तरह के AFO को पहनने के लिए कुछ गाइडेंस दी जाती है कि इसको डायरेक्टली पहनकर चलना नहीं है, हमेशा कोई शू या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि ग्रिप बना सके वो पहननी है, क्योंकि ये नीचे से बहुत ही स्लिपरी होगा। अगर आप इसको पहन के चलेंगे तो गिरने का बहुत डर है। इसके लिए आपको नए शूज़ लेने होंगे जो कि एक या दो कम से कम नंबर ज़्यादा होगा। AFO को शुरू में बहुत कम समय के लिए पहनना है, जैसे कि आधे घंटे से शुरुआत करनी है। आधा घंटा पहन के आप चलें और धीरे धीरे फिर उसको टाइम को बढ़ाएं। और यदि मेरी वीडियोज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।